तो इंशाल्लाह बार बार लाहौर आ रहे हैं, लाहौर खूबसूरत लोगों का शहर है जी, तो हमारी चौथी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, चौथी मिनिस्ट्री की ख्वाहिश? जी नहीं, बीवी की ख्वाहिश। कैसा महसूस कर रही हैं अब? बहुत बुरा। मोहब्बत कर चुकी है, काम अपना है, ECL में शामिल नाम अपना, करप्शन जिस कदर की थी ज्यादा, है उतना ही बुरा अंजाम अपना, हुकूमत कहीं नहीं जा रही और आ रहे वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? जी बिल्कुल। आप सुनाइए रुखमा, कोई कमी हुई दुखमा? हाँ जी, आवाज ही नहीं निकल रही, गला खराब है, बड़े बराबर की आवाज हो गई उन्होंने। वाकई में मेरी काफी मर्दाना आवाज है। आपकी आवाज बिल्कुल सही निकल रही है, आप क्यों घबरा रही हैं? नहीं, आपको मुख्तलिफ नहीं लग रही? नहीं, गला खराब है सर, दूसरा महंगाई की वजह से हालात भी खराब है। बस जिस तरह से ताड़ी आवाज होगी तो कह रहे हो आलू 30 रुपए किलो। गला इतना खराब, क्या ऊंचे आवाज लगाए थे, क्या किया गया था? थोड़ी सी बद परहेजी कर ली थी। बद परहेजी क्या? 3-4 कॉन्सर्ट इकट्ठे आ गए थे क्या? बद परहेजी मुझे बेसिकली टॉन्सिल्स का भी मसला है ना, बचपन से। अच्छा, तो इस वजह से, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि कोई सर्जरी शर्जरी इनकी करवा दूँ। कोल्ड ड्रिंक है वो नहीं छोड़नी, टॉन्सिल्स को ही रिमूव करवाना है। वाह वाह, टॉन्सिल्स का इलाज करवा लेना चाहिए, नहीं तो बंदा ऐसा हो जाता है। बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को, खास तौर पर बलोचिस्तान से तशरीफ लाए हुए हैं और मिनिस्टर है वहां पे कम्युनिकेशन और बिल्डिंग्स के, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल अकीदा राय। वेलकम टू द शो जी, बिलाखिर अकीदा राय जी को हमारा शो खींच कर ले ही आए, ले ही आए जी। और एक बड़ा ही प्यारा मैं शेर लाया हूँ जी, अच्छा जी, भाईजान के लिए। इशारा इधर कर रहे, शेर मुझे भेज रहे जी। आज मजाक की रात में ठाकुर जलवा कर रहे हैं, वाह खानदानी सरदार। अरे वाह, हाय हाय हाय। आज मजाक की रात में ठाकुर जलवा कर रहे हैं खानदानी सरदार, विरसे में तो सरदारी है और वजारत सरकारी। इनकी बात जबान पर लाने की अब कीजिए तैयारी। तितर की मोर ने सारे, की तितर की मोर ने सारे, अंदर खाने चोर ने सारे, की तितर की मोर ने सारे, अंदर खाने चोर ने सारे, ढिड निकम्मे दे नां नू छड्ड के दसो कादे शोर ने सारे। उसकी याद में हर रोज मैं भड़का हूँ, भड़का दिल के साथ साथ खुद भी मैं धड़का, धड़का हूँ। सारी रात फेसबुक की बात करने की आदत डालकर कैसर, अच्छा। आज कहती सॉरी भाई मैं लड़का हूँ। जी तो सरदार साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। इन्होंने जो कहा ना कि सारी रात वो फेसबुक पे करके जी, कि मैं लड़का हूँ, मेरे साथ ये गुजर चुकी है। वो एक रात मेरे घर में, मैं लेट आवर्स में बैठा तो क्या कहते हैं ये चैटिंग शैटिंग शुरू हो गई, ठीक है, तो वो मुझे लड़की समझ रहा है, मैं उसको लड़की समझ रहा हूँ। बाद में पता लगा वो भी लड़का मैं भी लड़का। आपने भी रजिया के नाम की आईडी बनाई है। मगर सरदार साहब एक चीज तो पहले बड़ी जबरदस्त आपने ड्रेसिंग की हुई है, और ये जो आपने मफलर बीच में पहना है ये वो लगता है खास आज आपने निकाला है। ये भी आपके लाहौर का तोहफा है, स्टोर में मैं चला गया जानने वाले हैं ठीक, तो उसने कहा ये स्पेशल आपका।
तो मैंने ले लिया, जब पेमेंट की तो मेरे पसीने निकले, 70,000 रुपए का था। जाहिर बात है उन्होंने कहा ये आपका ही हुआ। नहीं, पेमेंट तो मुझे करनी थी। हाँ, मगर वही मैं कह रहा हूं, पसीने निकल आए। बड़ा आला किस्म का तरीके से आपको ये मफलर जो था वो किया। मगर सर, सबसे जो चीज मैंने पहले नोटिस की है, आप मिनिस्टर हैं इस वक्त कम्युनिकेशन और बिल्डिंग्स के, यानी कि दो मिनिस्ट्रियां हैं। पिछली बार आप आए थे तो 3 मिनिस्ट्रियां थी, फूड की मिनिस्ट्री भी आपके पास थी, तो ये आपसे खाने की मिनिस्ट्री वापस ले ली उन्होंने। ऐसा है कि पहले पहले तो मुझे आईटी की मिनिस्ट्री दी गई ना। जी बिल्कुल। तो मैं टाट का पढ़ा हुआ था, मुझे आईटी का पता ही नहीं था कि आईटी होती क्या है ना। तो वो मैंने छुड़वा दी। उसके बाद फिर खुराक और आबादी, फूड अथॉरिटी, 3 मिनिस्ट्रियां मुझे दे दी, वो चलती रही। अब रिसेंटली हमने गवर्नमेंट चेंज की वहां पे, बिल्कुल नया, हम एक यंग सा खूबसूरत सा सीएम ले आए। फिर खुराक हमने एक पुराने पार्लियामेंटेरियन था उसको दे दी। हमने कहा कि आप लोगों को खाना शाना खिलाओ, हम दूसरी तरफ जाते हैं, सड़क बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तो ये मिनिस्ट्री फिर मेरे पास आ गई। ठीक, बिल्कुल। अकीदा जी, आपका क्या हाल है? I'm good, how are you? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी पहले कभी सरदार साहब से मुलाकात तो नहीं हुई होगी? No. देखे है ना, एक बिल्कुल एक डैशिंग किस्म की पर्सनालिटी। क्या बात, ऐसे मिलते नहीं है वैसे अब आपको। नहीं, इनके मुकाबले में नहीं। नहीं सरदार साहब, आपका कहाँ, वो एक बिल्कुल और साइड पे। आप तो इस मॉडल के तो हमारे पास आ ही नहीं रहे अब मॉडल। इस टाइप के? नहीं नहीं, इस टाइप के भी अब तो पॉलिटिशियंस भी हैं, वो यंग जो लड़के आते हैं या जो आते हैं वो लोग, ये वाला जो गेटअप और लुक है ये वाला नहीं अब आ रहा। अकीदा ये बताएं, आपने मॉडलिंग से अब एक्टिंग का भी कुछ काम शुरू कर दिया हुआ है? या तो कुछ शौक है अब हो गया, यानी कि एक्टिंग का? एक्चुअली एक्टिंग का ही शौक था। एक्टिंग का ही शौक था, तो फिर मॉडलिंग क्यों की? बिकॉज लाहौर में इतना ड्रामा इंडस्ट्री नहीं काम करी। अच्छा, तो इसके लिए मॉडलिंग आपने शुरू कर दी? वो तो बस शौक में शुरू कर दी। और शौक में शुरू कर दी, इतना आसानी से बंदा बन जाता है मॉडल? वैसे गट्स होने चाहिए, बन जाता है। गट्स होने चाहिए, हमारा तो ख्याल था कि फेस कट्स होने चाहिए। आपने कहा कि गट्स होने चाहिए, तो ये किस किस्म के गट्स होने चाहिए? लाइक ऑल इन वन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस और गट्स भी होने चाहिए। ठीक है, एंड पैशन होना चाहिए। बिल्कुल, और इंशाल्लाह जल्दी अदाकारा बन जाएंगी। अच्छा, ये आपको कैसे अंदाजा हुआ सरदार साहब? इतना खूबसूरत चेहरा मेरी लिफ्ट में, और फिर अभी हमने थोड़ी सी बातचीत की। अच्छा, बहुत तो टैलेंटेड मॉडल हैं। उनको पक्का हो चुका है कि आप जा रही हैं एक्ट्रेस बनने? फिर तो मैं जरूर बन जाऊंगी। फिर आप जरूर बन जाएंगी, ये देखे बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज जो मैं पहले मिस कर गया बीच में, पिछली बार जब आप शो में आए थे तो आपने कहा था कि 3 मिनिस्ट्रियां हैं और 3 ही शादियां हैं। अब इस वक्त 2 मिनिस्ट्रियां हैं? दो नहीं है, जो CNW का है कंस्ट्रक्शन एंड उसका PP लगती है, उसमें 3-4 पोर्शन है। अच्छा, तो अभी चौथी की इंशाल्लाह जो है ना, फिर मैं एक एक तो आपके ये कोरोना ने ख्वार कर दिया ना। मेरे कोरोना ने तो अब मैं क्या कहूँ, मुझे कहा गया कि मास्क लगा, मैंने कहा मुझे कोरोना कबूल है, मैं अपनी मूंछें जो है ना खराब नहीं करना चाहता, मास्क मैंने नहीं लगाया, ये पड़ा हुआ है। ओए, 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 अच्छा जी, तो इंशाल्लाह बार बार लाहौर आ रहे हैं, लाहौर खूबसूरत लोगों का शहर है जी, तो हमारी चौथी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, चौथी मिनिस्ट्री की ख्वाहिश? जी नहीं, बीवी की ख्वाहिश। कैसा महसूस कर रही हैं अब? बहुत बुरा।